हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमन टेक। तो गाइस, हम लोग फेसबुक डेटा लीक पार्ट टू वाला वीडियो में आ चुके हैं। और इससे पहले जो पार्ट में हम लोग देखे कि फेसबुक आपका क्या क्या डिटेल रखता है, डेटा जो आपको ही पता नहीं था, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो भी पहले देख लीजिए। उसमें मैं कम्प्लीटली बता दिया और स्टेप भी दिखा दिया हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा कि फेसबुक आपका क्या क्या डिटेल रख रहा है। और आपको इतना इन्फॉर्मेशन तो होना ही चाहिए कि फेसबुक आपका क्या क्या डिटेल रख रहा है। और ये वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या फेसबुक आपका जो डेटा है वो कौन कौन एप्लीकेशन के साथ शेयर कर रहा है, और अगर आप वो एप्लीकेशन सब यूज़ नहीं करना चाहते और तो और आपको आप अपना डिटेल को और वो एप्लीकेशन को देना नहीं चाहते तो वो आप कैसे उसको रिमूव कर सकते, वो भी मैं आपको ये वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेकेंड पार्ट इसका। तो जैसे कि गाइज आप देख सकते हैं, ये मेरा ओरिजिनल अकाउंट है। और तो इसके बाद आपको सेटिंग में जाना होगा, इसमें भी आपको सेटिंग में जाना होगा। ऊपर आप देख सकते हैं, तो इसमें आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग्स आप ये प्रोसेस अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं, दोनों जगह सब कम्प्लीटली सेम है। तो आप देख सकते हैं इसमें जनरल है, सिक्योरिटी एंड लॉगिन। तो आपको सीधा ऐप्स एंड वेबसाइट में जाना होगा। ऐप्स एंड वेबसाइट में जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको कम्प्लीटली पता चल जाएगा कि आपका जो फेसबुक डेटा है कौन कौन एप्लीकेशन के साथ शेयर हो रहा है फिलहाल। तो सबसे पहला जो सेक्शन है आप देख सकते हैं एक्टिव, एक्टिव में आप देख सकते हैं 8 लिखा हुआ। तो बेसिकली अभी 8 एप्लीकेशन है जो फिलहाल मेरा अभी फेसबुक डेटा एक्सेस कर रहा है, और जितना भी फेसबुक का इन्फॉर्मेशन है वो अभी एक्सेस कर रहा है। एक्सपायर में आपको वो एप्लीकेशन दिखेगा जो आप पास्ट में यूज़ करते थे और आप उन लोगों को परमिशन दिए थे फेसबुक का डेटा एक्सेस करने के लिए। तो इधर आप देख सकते हैं 63 ऐप है जो मैं फ्यूचर में यूज़ किया था, और फिलहाल मैं अभी इसको यूज़ नहीं कर रहा। और रिमूव में फ़िलहाल अभी कुछ नहीं है, क्योंकि अभी मैं आपको रिमूव करके दिखाऊंगा। एक्टिव में फ़िलहाल अभी ये 8 एप्लीकेशन है जो मेरा फेसबुक डिटेल ले रहा है, और इसी डिटेल से आपको वो एप्लीकेशन का फ़ायदा मिल रहा है। तो सबसे पहला जो आप देख सकते हो क्वारा में तो मैं यूज़ करता हूँ, और कुछ गेम्स है जो मैं यूज़ करता हूँ फिलहाल। ये सब 2-3 वेबसाइट है, वो भी मेरा लिंक जो फेसबुक का डेटा वो भी स्कैन कर रहा है। तो बेसिकली अब हम लोग देखेंगे कि ये जो वेबसाइट या ये जो ऐप है आपका क्या क्या डेटा स्कैन कर रहा है। तो चलिए हम लोग क्वारा ही खोलते हैं, बहुत पॉपुलर जानते ही आप एप्लीकेशन है। तो चलिए क्वारा हम लोग खोल लेते हैं। क्वारा खोलने के बाद आपको पता चलेगा कि वो आपका क्या क्या डेटा ले रहा है। सबसे पहले आप देख सकते हैं पब्लिक प्रोफाइल ले रहा है जो मैंडेटरी है। आप कोई भी एप्लीकेशन में अगर आप फेसबुक से साइन इन कर रहे हैं तो वो एप्लीकेशन का पूरा परमिशन बनता है कि आपका जो प्रोफाइल नेम है या आपका डेट ऑफ बर्थ है, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन एज रिस्ट्रिक्टेड होता है, तो इसलिए उन लोगों का पूरा परमिशन है कि आपका जो ईयर है वो आपका एक्सेस करें। उसके बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड लिस्ट भी ये स्कैन कर रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ भी, होम टाउन आप देख सकते हैं, बहुत कुछ आप देख सकते हैं कि ये जो एप्लीकेशन है क्वारा, ये जितना भी डिटेल आप देख सकते हैं ये अभी एक्सेस कर रहा है। तो ये ऊपर वाला जो चीज़ है उसको तो हटा नहीं सकते, मगर आप चाहेंगे तो ये चीज़ हटा के सेव कर देंगे तो क्वारा बस आपका पब्लिक प्रोफाइल ही डिटेक्ट करेगा। फ्रेंड लिस्ट, डेट ऑफ बर्थ, फ्रेंड लिस्ट, डेट ऑफ बर्थ, होम टाउन, वो सब कम्प्लीटली आपका डिटेक्ट नहीं करेगा अगर आप इसको सेव कर देते हैं। तो फिलहाल मेरा क्वारा के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डेटा जो ले रहा है सही ही ले रहा है। उसका एप्लीकेशन जो फील्ड के लिए काम कर रहा है उसके लिए डिटेल जरूरी है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ एक्सपायर्ड में। एक्सपायर्ड में मैं बहुत सारे एप्लीकेशन का और काम में नहीं लेता हूँ, जैसे ये क्विज स्टार, इसको आप मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ। कैंडी क्रश में मैं खेलता नहीं हूँ, 8 बॉल पूल भी नहीं खेलता हूँ फिलहाल, 8 बॉल पूल को रहने देता हूँ, मे बी फ्यूचर में मैं खेलूँ। जैसे ही आप रिमूव में क्लिक करेंगे तो जितना भी आप एप्लीकेशन को सिलेक्ट किए ये आपका डेटा लेना बंद कर देगा फेसबुक से, और जो फ्यूचर का जो आपका डेटा आप इसमें गैदर करेंगे फेसबुक में तो वो एप्लीकेशन आपका कुछ भी डेटा ले नहीं पाएगा। तो इसमें हम रिमूव में क्लिक कर देते हैं। जैसे ही मैं रिमूव में क्लिक करूंगा, जैसे आप देख सकते हैं इसमें लिखा है ऑल्सो डिलीट ऑल द पोस्ट फोटोज एंड वीडियो ऑन फेसबुक दैट्स दिस ऐप्स एंड वेबसाइट मे हैव पब्लिश ऑन द बिहाफ। तो इसमें यह कह रहा है कि ये एप्लीकेशन के द्वारा अगर आप कुछ भी चीज़ पोस्ट किए हैं या वीडियो या कोई भी फोटो तो ये सब भी आप डिलीट कर सकते हैं। तो रिमूव में हम लोग क्लिक कर देते हैं और जितना भी एप्लीकेशन मैं आप सिलेक्ट किया वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा। तो चलिए हम लोग रिमूव में क्लिक कर देख सकते हैं। तो रिमूव में जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है अकॉर्डिंग टू जैसे नेट स्पीड, और आपका जो डेटा अगर ज़्यादा है तो थोड़ा टाइम लग सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये रिमूव हो चुका है। मैं आपको और भी करके दिखाता हूँ, बहुत सारा और भी बहुत कुछ है जो मैं आपको हटा के दिखा देता हूँ। सो ऑल में करेंगे
तो मुझे तो गाइस आपको भी पता नहीं होगा कि आप कितना सारा एप्लीकेशन में परमिशन ग्रांटेड दे चुके हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं इतना सारा एप्लीकेशन मैं खुद दे चुका था और मुझे खुद भी नहीं पता कि इतना एप्लीकेशन हम लोग का डेटा ले चुका है, तो हम लोग इसमें रिमूव कर देते हैं। तो ऐसे करके आप अपने जितना भी एप्लीकेशन जिसको आप यूज़ नहीं करते हैं फिलहाल के लिए उसको हटा सकते हैं, और उन लोग को डेटा देके कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये डेटा उन लोग का बिजनेस के लिए काम आएगा और आपका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। आपका डेटा बहुत प्रीसियस है, तो आप ये चीज़ को जो जो आप एक्सपायर्ड हो गया है वो सबको हटाते रहिए, और अगर एक्टिव में अगर आप वो एप्लीकेशन फ़िलहाल आप काम में ले रहे हैं तो उसको रहने दीजिए। और एक्टिव में भी अगर आप चाहते हैं कि आपका जो जो कंप्लीट सब इन्फॉर्मेशन उन लोग के पास ना जाए, बस आपका कुछ इन्फॉर्मेशन जाए, तो आप व्यू एंड एडिट में क्लिक कर सकते हैं। व्यू में एडिट में जैसे आप क्लिक करेंगे इधर बहुत सारा परमिशन देना रहता है। तो फिलहाल देखिए रूल्स ऑफ सर्वाइवर जो गेम है वो एकदम परफेक्ट एक ही चीज़ आपका ले रहा है जो है पब्लिक प्रोफाइल, और उतना ही उसका रिक्वायरमेंट है वो एप्लीकेशन का, उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट ये एप्लीकेशन का बनता भी नहीं है। तो ये परफेक्ट है। अगर आप ये वाला में जाएंगे और हम लोग देखेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये सब एक्स्ट्रा डिटेल ले रहा है, तो हम लोग इसको हटा देते हैं। एक्स्ट्रा डिटेल नहीं देना है कोई भी एप्लीकेशन को, क्योंकि वो अपना फ़ायदा के लिए इसको यूज़ करेगा। तो सेव में क्लिक करेंगे तो उसको आप एक्स्ट्रा डिटेल अब नहीं मिलने वाला। फिलहाल मैं इसको भी रिमूव करूँगा, ये सब यूज़ मैं नहीं करता। आपके सामने मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और इसको हटा देते हैं। और गाइस ये रिमूव हो चुका है। तो और आप फिर आप अभी देखेंगे रिमूव सेक्शन में, तो इतना एप्लीकेशन आप जो देख रहे हैं ये एप्लीकेशन रिमूव हो चुका है। और ये जितना भी एप्लीकेशन आप रिमूव किया है ये इसके पास और परमिशन नहीं है कि आपका कोई भी डेटा आप ये ले सके। और 13 ऐप जो मैं रिमूव किया इसमें इसमें ये पक्का हो गया कि इतना 13 एप्लीकेशन आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं लेने वाला। तो यही कंप्लीट प्रोसेस था आपको बताना था कि कैसे आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फेसबुक में जो एप्लीकेशन में आप परमिशन देते हैं तो वो सबका परमिशन को हटा कैसे सकते हैं। फ्यूचर में अगर आप उसको यूज़ नहीं करते हैं अभी फ़िलहाल अभी एक्सपायर मोड में है तो उस सबको हटा सकते हैं। और अगर आप यूज़ करते भी होंगे वो एप्लीकेशन को तो एप्लीकेशन में अगर आप एडिट सेक्शन में जाके देखेंगे कि क्या क्या वो परमिशन ले रहा, क्या क्या इन्फॉर्मेशन ले रहा, वो एप्लीकेशन के बिहेवियर्स है वो इन्फॉर्मेशन उसके लिए सूटेबल नहीं है, तो वो इन्फॉर्मेशन को हटा दीजिए। वो इन्फॉर्मेशन जैसे ही आप हटाएंगे तो उसका इन्फॉर्मेशन उस वो एप्लीकेशन के पास जाना बंद हो जाएगा। तो ये न्यू फीचर फेसबुक अपने लिए लाया है और ये फीचर पहले ही फेसबुक को लाना चाहिए था। फिलहाल कोई बात नहीं, फेसबुक अभी सीख गया अपने गलती से, तो वो अच्छी बात है। आप भी ये प्रोसेस को काम में लीजिए और जितना भी फालतू का एप्लीकेशन जो आपका डेटा ले रहा है तो उसको हटा दीजिए। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो और ये सीरीज़ दो वीडियो का सीरीज़ अच्छा लगा होगा। मैं ऐसे ही न्यू न्यू चीज़ आपको बताते रहूँगा, सिखाते रहूँगा और प्रैक्टिकल लाइव करके दिखाऊंगा, जिससे ये होगा कि आपको सीखने में इजी हो जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए आ गए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में छोटा सा बेल का आइकन होता है उसको भी क्लिक कर दीजिए। उससे होता यह है मैं जब भी न्यू वीडियो डालता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिलते रहता है और आप मेरे कोई वीडियो मिस नहीं करते। थैंक यू सो मच फ्रेंड एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।